हेलो एवरीवन, हेलो। जा रहे हैं थोड़ा दरगाह पे सलामी देने, वहाँ जाके आगे वीडियो बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी में निकले और जो घर पे पैसे हमने रखने थे वो हम भूल गए हैं। अब रिटर्न ऊपर जा रहे हैं, पैसे रख के मतलब ऊपर फ्लोर पे पैसे रखेंगे फिर वापस आएंगे घर पे। निकल चुके हैं और ऑटो भी मिल गया है, मतलब ऑटो बड़ी आसानी से मिल गया आज को। हमको लगा था संडे ना, हाँ हमको लगा था संडे है तो हमको ऑटो नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो कमाल हो गया कि बहुत आसानी से मिल गया। और आप जिधर जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं और उन्होंने अपने दर पे हमको बुलाए हैं, यानी कि हम दरगाह जा रहे हैं, उन्होंने बुलाए हैं हमको और हम बहुत खुशी से जा रहे हैं और दुआ करेंगे वहाँ पर अपने लिए और सभी के लिए। तो और उनसे तो यही उम्मीद रहती है कि कबूल हो ही जाएगी, तो हमारे लिए सिफारिश करेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगी कबूल। तो मिलते हैं आगे। और ये थोड़ा से फिलहाल के लिए अनबिलीवेबल मैसेज ये कि संडे की रोड खाली है, अभी आगे का पता नहीं, मतलब ताजुब हो रहा है। हाँ वही थोड़ा सी शॉक है, मैं संडे की रोड खाली आगे का पता नहीं। ये देखते हाँ मुंबई में संडे के दिन बस ये कि जाके आए तक रोड खाली मिले, ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, फिर जितना ऑटो रुकती है गर्म इतना ज़्यादा पड़ी है, लेकिन आज रास्ता खाली है तो थोड़ी हवा लग रही है। हाँ भाई मतलब ऑटो रुकता है तो गर्म होने लगता है, तो गर्मी को। और अभी हम ट्रैफिक में ही रुके हैं, नहीं सिग्नल है ट्रैफिक सिग्नल। हम सिग्नल पे रुके हुए हैं और ट्रैफिक जम गई है पर ये। तो मैं हूँ और मेरी छोटी नन्ही सी जान है, मतलब माँ के लिए तो सभी छोटी, अगर ये 50 साल की रहेगी तो माँ के लिए वो छोटी रहने वाली, बस छोटी। तो मैंने हम आ गए हैं वहाँ पर जहाँ पर हमको आना था, ख्वाहिश रहती है हमेशा दिल में रहता है और मोहब्बत रहती है इनसे। तो हम आ गए हैं और सलामी दी है हमने पहले, आप भी देखिए अध्यायी भी। फ़िलहाल तो यहीं तक का है, अभी अंदर जाएंगे तो हम भी ज़्यादा करेंगे और आप भी करिए, पता नहीं अंदर अलाउड है या नहीं। तो आ गए हैं सबसे प्यारी जगह, दिल की ठंडक और आंखों का सुकून और आंखों की भी ठंडक। वो आगे जा रही है मेरी बेटी जिसका आज बर्थडे है। तो दिल बहुत खुश हुआ है और सुकून मिला है, हमने ज़्यारत की है, आप भी ज़्यारत कीजिए। पता नहीं अभी बिना बताए तो उतार रही हूँ, मानेंगे या नहीं मानेंगे या डांट पड़ेगी, तो आप भी ज़्यारत कर लीजिए। और दुआएं कर लीजिए। बस ये कि इनसे ही गुजारिश है कि अल्लाह से सिफारिश करके हमारी सारी दुआएं कबूल करवा दें, आमीन तुम आमीन। तो देखिए हमारे यहाँ को तो ठंडक मिल गई, आप भी ज़्यादा कीजिए। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आप भी ज़्यादा कीजिए, ज़्यारत करके जो दुआ करनी आप भी कर सकते हैं। तो अब दुआएं मांग ली, दिल को सुकून मिले, ठंडक मिली और अब बाहर निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आके, तो बहुत खुशी हुई है यहाँ के, बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह शाह बाबा की जो उन्होंने अपने दरबार में याद किया और हमने आके यहाँ हाजिरी दी और दिल को सुकून और ठंडक मिली है और आँखों को ज़्यारत करके ठंडक मिली है और दिल को बहुत सुकून मिला है। और अभी चादर वगैरह चढ़ा के हम दुआएं करके बाहर निकले हैं। अभी यहाँ पर जो चरिंदे परिंदे होते हैं, जो जानवर होते हैं यहाँ पर हैं, उनको हम दाना वगैरह खिलाए, जो खाना उनके लिए लिया है। और बस खुशी का ठिकाना नहीं, क्या बताऊँ मैं कि आज मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती, बता भी नहीं सकती इतनी खुश हूँ। और फिर से बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का जो मुझे याद किया। और बस
वही हाथ है लाल मेरे पास। हाँ। तो हाथ आगे कर लेगी ना तो वो लोग अंदर की तरफ हो जाएंगे। अरे वही तो बाहर बाहर निकले आ रहे हैं। छोड़ दो लोग, पूरे मैदान में घूम लेंगे जरा। ये करीब से ले दूंगी। आपस में लड़ेंगे। ओहो कहाँ से आ गए, वो कहाँ से आ गया, ऊपर चढ़ के पूरा थूक फूक सब लगा दे रहे हो बेटा तुम लोग हाथों पे। लगा लो लगा लो। तो बस अब निकलने की तैयारी है, दुआएं वगैरह मांग ली हैं और उम्मीद है, उम्मीद तो ये रखते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत खुशी हुई है। और अभी थोड़ी देर में बस निकलेंगे घर जाने के लिए। और क्या बोलूँ, बस बहुत खुश हूँ। और आज मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे भी है तो उसके लिए भी दुआएं की हैं और आप सब से भी बहुत दरखास्त है। तो वैसे तो ब्लॉग मेरे ख्याल से खुशी में आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्लॉग बन गया मेरा, मुझे ऐसा लगता है। तो बस अब जाने के लिए निकली सब में, आज बस थोड़ा बहुत अब बनाना बाकी, थोड़ा सा ब्लॉग कितनी जोड़ना बाकी है। आपसे बताया था कि बस अब उधर निकलने लगे हैं, रवाना होने लगे हैं। बहुत ही खुशी के साथ में आए थे तो पूरा भारी जो था मैं इससे थे और अभी बिल्कुल सोचा गया तो फर्क है। और ये मेरे बाबा भैया बस फर्क है, ये इतनी खुशियाँ यहाँ से लेके जाते हैं, दुख के साथ अपने खुशियाँ लेके जाते हैं तो हम भी लेते हैं और खुशियाँ लेते हैं। तो दो थके हारे और चले आ रहे हैं अब घर की तरफ, बस अब जाएंगे घर में आराम करेंगे। देखो मेरे कितने सारे बलून। तो ये हम अंदर हैं घर के और मेरी छोटी वाली बेबी का बर्थडे है, छोटी बेटी प्यारी छोटी मेरी रानी परी और वो बड़ी वाली जो फुगे उड़ा रही है। तो बर्थडे था तो बस इतना हो सका है, इतना हो सका है मेहनत मुशक्कत के साथ में। ये इनसे हुआ नहीं, लेकिन नहीं वो अकेली थी और हमारे साथ फिलहाल कोई नहीं था, सब अपने अपने जॉब पे गए हुए थे तो किसी को वक्त नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली है। तो बस ये इसने किया है, इसका श्रेय जाता है सारा हमारी बहन थैंक यू मेरी प्यारी बड़ी बेटी को जाता है इसका सब। तो दुआएं हैं, आ गए हैं घर पे हम लोग तो। और बस क्या बताऊँ, आज खुशी मिली और खुश हूँ और अल्लाह ये खुशी सलामत रखे मेरा रब, मेरा मालिक की खुशी सलामत रखे हमारी इसी अच्छी अच्छी दुआओं के साथ में। तो थके अरे वापस आए हैं, बस एक अजीब सी खुशी है और हल्कापन लग रहा है वहाँ से जाके आने के बाद, मतलब मेरे पापा के यहाँ जाके आने के बाद, वहाँ दुआ करने के बाद तो घर पे आए हैं। एक छोटा सा सरप्राइज था क्योंकि सारे दोस्त, आज मेरी छोटी वाली बेबी का बर्थडे है और दोस्त सारे काम पे गए हुए हैं तो कोई आ नहीं सका। तो मेरी बड़ी वाली बेटी से जितना हो सका उसने उतना के जो आपने अभी इससे पहले देखा जितना हो सका उतना उसने काम किया है, बर्थडे के लिए तैयारी की है और बस खुशी हुई ये भी देखकर। तो अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ फिलहाल, तो मेरे ख्याल से खुशी खुशी में ज़्यादा बड़ा बन गया, बस एंड हो ही नहीं रहा आज, ज़्यादा बड़ा बन गया शायद मेरे ख्याल से। तो अभी देखिए आप खुद ही देखिएगा, तो फिलहाल तो एंड कर रही हूँ वरना और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा बन जाएगा ब्लॉग। बाय, अल्लाह हाफिज़।